अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद दिलाल है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए इस घर का रिव्यू लेकर आए हैं। वो वाक़ है घर बैरेटॉन फेज़ 8 में अली ब्लॉक के अंदर, अली ब्लॉक जो कि बैरेटॉन फेज़ 8 और हेड ऑफिस से जो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। और अगर घर के एरिया की बात की जाए तो ये 11 मरले पे बना हुआ घर है और एक्स्ट्रा लैंड वाला घर है ये। इसमें अगर आप फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट एलिवेशन काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको बायर भी काफ़ी अच्छा मेंटेन लोन मिल जाता है। अगर कारपोर्च की बात की जाए, कारपोर्च में आपके लिए वॉल के ऊपर जो साइड वॉल है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन बनाया गया है, और दूसरी साइड पर आपको जो है वो एक अच्छी सी कैलीग्राफी देखने को मिल जाती है। अगर साइड गैलरी की बात की जाए, साइड गैलरी में भी इसी तरह वॉल पे आर्ट वर्क हुआ है, और ये आपके लिए एक वाटरफॉल है। और इसमें आप देखें, आपको एक ह्यूज लॉन मिल जाता है जिसमें थोड़ी सिटिंग प्लेस भी आप बना सकते हैं, और साइड पे जो है गैलरी आपको मिल जाती है। मज़ीद हम अगर आपको घर को घर के अंदर लेके जाएँ तो घर के अंदर की बात की जाए अगर, तो इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में इसके 2 बेडरूम्स हैं और एक ड्राइंग रूम है और एक साथ ओपन किचन है। अभी हम आपको घर के अंदर लेकर चलते हैं। ये भी आप ड्राइंग रूम का व्यू देख रहे हैं। ड्राइंग रूम की बात की जाए तो ड्राइंग रूम में काफ़ी ह्यूज स्पेस है। सीलिंग आप देखें काफ़ी अच्छी और ग्लॉसी जो है वो इन्होंने दी है लुक इसको। अगर इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, ये आपको टीवी लाउंज में लेके आते हैं। टीवी लाउंज की अगर बात की जाए, टीवी लाउंज में आपको ब्यूटीफुल जो है वो सीलिंग वर्क नज़र आता है, उसमें आपको वार्म लाइट नज़र आ जाती है। प्लस अगर आप इसमें बात की जाए किचन की, तो किचन आपको ओपन दिया गया है इसमें, जो आपको जो है काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आजकल ट्रेंड है ओपन किचन का। और अगर आपको किचन की बात की जाए, इसमें आपको जो है वो डबल कैबिनेट्स मिल जाते हैं ऊपर, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि हाउसेज में जो किचन होते हैं उनमें जो है वो कैबिनेट सिंगल होती है, और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें आपको स्टोव इंस्टॉल मिल जाता है। और जो मज़ीद अगर हम बात करें बेडरूम की, ये आपको लेके चलते हैं बेडरूम वन में। बेडरूम वन की बात की जाए तो बेडरूम वन में भी काफ़ी सी आपको देखते हैं सीलिंग जो है वो आपको मिल जाती है, और वार्म लाइट का वर्क हुआ है सीलिंग के अंदर, और स्पेनिश टाइल्स लगी हुई हैं पूरे घर के अंदर, स्पेनिश टाइल्स का वर्क है। अगर आप इसके वाशरूम की बात की जाए तो वाशरूम इसका काफ़ी ह्यूज वाशरूम है, जिसमें आपको बाथ कैबिन अलहदा से नज़र आ जाता है। और बेडरूम टू की बात की जाए तो बेडरूम टू भी काफ़ी ह्यूज साइज़ का बेडरूम है ये। इसमें आपको सीलिंग में देखें आपको वार्म लाइट नज़र आ जाती है, सीलिंग का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा सा। और इसमें आप वाशरूम की बात करें तो अटैच वाशरूम है इसमें, और ये आपको किचन का एक और ओवरलुक दिखा देते हैं। अभी आपको लेकर चलते हैं घर की अपर पोर्शन में। अपर पोर्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस है वो अलहदा से सेपरेट दी गई है, और जो मेन डोर है उससे आप जो है वो घर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ग्राउंड पोर्शन में आपको 2 बेडरूम देखने को मिलते हैं, और अपर पोर्शन में आपको 3 बेडरूम मिलेंगे। इसमें आपको अगर टीवी लाउंज की बात की जाए, टीवी लाउंज में आपको जो है वो एक बहुत खूबसूरत सीलिंग देखने को मिलती है, और साथ ही आपको ओपन किचन, ओपन किचन में नीचे वाइट जो ग्राउंड फ्लोर पर वाइट लेमिनेशन का इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पर जो है आपको उसी तरह ब्लैक का जो है वो कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। साथ ही अगर बेडरूम 3 की बात की जाए तो बेडरूम 3 भी काफ़ी ह्यूज बेडरूम है, इसमें आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, और इसमें आपको सीलिंग का डिज़ाइन देखने काफ़ी यूनिक डिज़ाइन उन्होंने जो है वो दिए हैं इसमें। और साथ ही आपको यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए कबर्ड मिल जाते हैं, और ये आपको ह्यूज वाशरूम साथ मिल जाता है। अगर हम आपको ले कर चलते हैं बेडरूम 4 की तरफ, तो बेडरूम 4 में अगर आप इसी तरह देखें तो बेडरूम 4 की भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की सीलिंग है, और इसमें आपको वार्म लाइट का यूज़ नज़र आएगा। और साथ ही अगर आप देखें तो टाइल आपको स्पेनिश टाइल आपको इसमें देखने को मिलती है। और अगर वाशरूम की बात करें तो वाशरूम भी इसी तरह आपको अटैच और ह्यूज वाशरूम इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको ऑल जो वैनिटीज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी की नज़र आएंगी। और अगर आपको बेडरूम 5 की बात करें तो बेडरूम 5 में इसी तरह भी आपको सारे रूम में डिफरेंट सीलिंग के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको देखें ह्यूज जो है वो रूम है, काफ़ी स्पेशियस रूम बनाए गए हैं, इसमें आपको जो है वो फील नहीं होगा कि आप किसी छोटे घर के अंदर हैं। और
वाशरूम की बात करें तो वाशरूम भी इसी तरह काफ़ी जो है वो स्पेशियस से बनाए गए हैं। इसमें आपको फिटिंग जो है वो सारे इंपॉर्टेंट जो है वो यूज़ हुई हैं। इसमें भी आपको इस तरफ विंडो नज़र आती है, भी आपको रूफ़ में लेके जाते हैं। रूफ़ में आपको जो है वो देखने को मिलेंगी आपको ये ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन की टाइल्स स्टेयर्स पर यूज़ हुई हैं, और साथ ही हम आपको रूफ़ में दिखाते हैं। रूफ़ टॉप पर आपको जो है सर्वेंट क्वार्टर देखने को मिलता है और एक स्टोर रूम है आपके लिए, और ये आपको बहुत खूबसूरत सा व्यू देखने को मिल जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मजीद घर की डिमांड जानने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, इस पर आप रब्ता करके डिमांड पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।